राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणथंभौर स्थित एक होटल में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली और जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान में स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस में ही विद्यालय में आना पड़ेगा। स्कूलों में हिजाब विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग समझदार हैं और स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर सख्ती बरतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ के लोग सब समझते हैं। जिस विद्यार्थी को स्कूल आना है उसे स्कूल ड्रेस कोड का पालन तो करना ही होगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा जिस तरह से राजस्थान में अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं वो ठीक नहीं था। अब ना तो अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षक है और ना ही हिंदी मीडियम स्कूलों में शिक्षक है। कांग्रेस सरकार ने बिना सोचे समझे जिस तरह से अंग्रेजी स्कूल खोले हैं उससे बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है और शिक्षक भी परेशान है। आइए देखते केपी सिंह की रिपोर्ट। नरेश बंसल जो पार्टी की किसी न किसी गतिविधि में लगे रहते हैं, उसी का परिणाम है आज हमारे लोकसभा के रूप में हमारे बीच में है। जिले के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु और भाई, सांसद महोदय जानते हैं कि उनके पास दिन आता नहीं, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं तो बेटे बेटी बात करूं। हम सब लोगों ने कुछ दिन पूर्व विधानसभा के चुनाव को देखा है और विधानसभा चुनाव लड़वाया है। हमारे सामने लोकसभा चुनाव आगे पार्टी की क्या योजना है? पार्टी की योजना तो हमारी स्थायी होती है कि हमको एक चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की हम तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। हमारी निरंतर तैयारी है और सवाई माधोपुर टोंक लोकसभा सीट को हम सर्वाधिक वोटों से जीतने का हमारा प्रयास रहेगा। वैसा 25 लोकसभा सीट है और लगातार बीजेपी दो बार यहां से जीत दर्ज कर चुकी है और अब तीसरा टर्म मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। क्या लगता है 25 में से कितनी बीजेपी जीती? 25 में से 25, एक भी सीट कम नहीं होगी। सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वैसा आप जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बनने के बाद में लगातार आपका कोई ना कोई एक्शन देखने को मिला है। अभी जो स्कूल ड्रेस है उसको लेकर भी जयपुर में भी विवाद देखने को मिला था, तो क्या रहेगा इसको लेकर के? मेरे पास तो आज तक एक भी व्यक्ति ये कहने नहीं आया कम ड्रेस पहनकर विद्यालय में नहीं जाएंगे या हमारा बेटा विद्यालय में ड्रेस पहन कर नहीं जाएगा, इसलिए मैं नहीं मान सकता कि कहीं विवाद हुआ हो। ये सच है कि मीडिया में ये विवाद आया है, लेकिन मेरे पास एक भी व्यक्ति इस बात को कहने के लिए नहीं आया। हिजाब को लेकर बाल मुख्तार जब स्कूल में पहुंचे थे तो उस समय विवाद हुआ है। मैं तो देखो हिजाब के खिलाफ हूँ ही नहीं, अपने जीवन में कोई भी कैसी भी ड्रेस पहने, लेकिन विद्यालयों में तो विद्यार्थी के नाते यानी छात्र के नाते जो आएगा उसको ड्रेस यानी गणवेश यानी पोशाक पहनकर ही आना पड़ेगा। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।